हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने इस चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले सभी बच्चों के लिए एक अच्छी और गुड न्यूज निकल कर आया है आपके एग्जामिनेशन को लेकर कि आपका एग्जामिनेशन आखिर किस फॉर्म में होगा, टर्म 1 या टर्म 2 में होगा या फिर सिंगल एग्जामिनेशन होगा। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज निकल कर जो सामने आई है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। और क्यों सरकार को या सीबीएसई को इस प्रकार का फैसला लेना पड़ा, इसके पीछे भी बहुत से ऐसे रीजन है, उन रीजनों को भी मैं यहां पर काउंट करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 का जो हमारे इस सेशन में यानी 2021-22 के भी जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़े अपडेट है कि टर्म 1 का वेटेज क्या होगा, क्या होने जा रहा है, ये सारे डिटेल में इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे बड़ी बात हम अगर कहें तो सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे, जो हमारे बच्चे 2023-24 के सेशन में है यानी 22-23 सेशन में है, 22-23 ठीक है, जो अगले साल एग्जामिनेशन फाइनल देंगे 23 में, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट ये आया है कि सीबीएसई के द्वारा से ये बात बताई जा रही है कि ये टर्म 1 और टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन है वो कंटिन्यू करने की बात कहीं नहीं कही गई है। इस कारण से अब जो होगा नेक्स्ट ईयर से आपका एक सिंगल एग्जाम होगा, 2022-23 वाले बच्चों का सेशन का एग्जामिनेशन ना टर्म 1 होगा ना ही टर्म 2 होगा, सिंगल एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करेगी। इसके पीछे क्या है कि सीबीएसई ने कोविड को सिचुएशन को देखते हुए टर्म 1 और टर्म 2 को दो भाग में डिवाइड किया था ताकि कोर्सेज को छोटा करके अच्छे से एग्जामिनेशन लिया जाए, लेकिन इन्हीं के स्कूलों के द्वारा जो है सीबीएसई अफिलेटेड स्कूलों के द्वारा इतनी मास चीटिंग की गई, इतने कॉपी में धांधली की गई जिससे बच्चे डिसअपॉइंटेड हो गए। यहां अभी आप साउथ का मामला भी मैंने बहुत अपडेट दिया था कि वहां के बच्चे ने कोर्ट तक मूव कर गए कि स्कूलों के मार्क्स जो है वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दे दिया है। तो इन सब जो फटला फंस रहा था सीबीएसई का, बहुत तरह के सवाल या निशान उठ रहा था, सीबीएसई ने इस बात को देखिए एकदम क्लियर कर दिया है कि अब आपका सिंगल एग्जाम होगा, अब दो टर्म 1 टर्म 2 के बारे में अब ये बातें नहीं कही जा सकती। और ना ही सीबीएसई बात को कही थी कि हम कंटिन्यू एग्जाम टर्म 1 टर्म 2 के ही पर ही लेंगे, अब आपका एग्जाम एक सिंगल फेस एग्जाम होगा जिस प्रकार से पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम होता था, यानी कम अगेन है ना, बैक अगेन। अभी हम यहां बात ये कर रहे हैं कि टर्म 1 का क्या होगा 2022-21 के बच्चे वाले, ये बात मैं बता दूं 21-22 वाले बच्चे जो टर्म 1 और टर्म 2 के बैठे, टर्म 2 का आपका प्रिपरेशन चल रहा है, 26 अप्रैल से आप लोगों का एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि टर्म 1 के बारे में जो इंफॉर्मेशन निकल कर आया है, टर्म 1 का वेटेज जो है वो मे बी इंक्रीज करने की बातें चल रही है, जहां मैंने अभी सब पता लगाया तो ये पता चल रहा है कि टर्म 1 का वेटेज को इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन कितना परसेंट इंक्रीज किया जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन सीबीएसई ने इस बारे में कई बार नोटिफिकेशन जारी करके ये साफ साफ कह दिया है कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, वो 50-50 जो है वो जुलाई वाला जो है नोटिफिकेशन है उसी आधार पर 50-50 है, अभी हम डिसाइड करेंगे फाइनल टर्म 2 एग्जामिनेशन के रिजल्ट के समय। सो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि अब आप लोग जो है 2022-23 वाले बच्चों के लिए आप लोगों का सिंगल एग्जाम होगा, और ये बहुत बेहतर है क्योंकि इस तरह से जो चीटिंग होती है उस सब में बहुत सा ब्रेक भी लग जाएगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब योर चैनल। जय हिंद, जय भारत।